सबसे पहले धीरज दुबे जी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि झारखंड के सियासी संकट को और ईडी की कार्रवाई को दोनों को समझना पड़ेगा और जेएमएम सरकार की इसको लेकर तैयारी क्या है? देखिए, ये सियासी संकट कोई नेचुरल नहीं है, ये तो बनाए जा रहे हैं ना, ये आज से थोड़ी बनाए जा रहे हैं। ये सियासी संकट तो जब से सरकार बनी तब से बनाए जा रहे हैं, और कभी खरीद फरोख्त के माध्यम से, कभी सरकार को किसी और माध्यम से गिराने का कोशिश किया जा रहा है, अपनी सरकार बनाई जाती है। पहले बैलेट से सरकार बनती थी, अब तो बुलेट का प्रयोग किया जा रहा है, कभी ईडी बुलेट का, कभी खरीद फरोख्त का, कभी सीबीआई का, कभी चुनाव आयोग का, कभी राज्यपाल से लिफाफे खुलने का बात आने लगता है। तो इस तरह का हथकंडा जो अपनाया जा रहा है, इसको तो देखकर जनता काउंटर अटैक क्यों, काउंटर अटैक क्यों? ईडी ने तो 10 बार समन भेजा ना पूछताछ के लिए, एक बार हेमंत सोरेन तैयार हुए उनसे पूछताछ हुई, आज दूसरी बार उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन यहां तो हेमंत सोरेन खुद ईडी के अधिकारियों के तहत, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवा देते हैं। काउंटर अटैक क्यों? ईडी तो अपनी पूछताछ कर रही है ना सरकार। देखिए, इसमें काउंटर अटैक की क्या बात थी, ईडी ने समय दिया था कि 31 जनवरी तक आपको पेश होना है, तो फिर जो स्टॉक करने का कोशिश किया गया, पीछा करने का कोशिश किया जा रहा है, जो एक राइट टू प्राइवेसी में हनन करने का कोशिश किया जा रहा है, कोई अपने निजी काम से दिल्ली जाता है, उसके घर पे बिना किसी नोटिस के, बिना किसी भी अग्रिम सूचना के छापेमारी किया जाता है, ये ईडी की कार्रवाई किस तरह से है, ये बेचैनी क्यों है, ये हड़बड़ाहट क्यों है, ये किसके इशारे पे हड़बड़ाहट है, आखिर ये भी तो पूरे देश की जनता पूछ रही है। एक तो देश की जनता पूछ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पाक साफ है, या भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाने के बाद ईडी का समन जारी होना भी बंद हो गया। पूछता तो छोड़िए, समन तक जारी नहीं होता है, और बाकी जितने भी विपक्ष में गठबंधन के नेता हैं उनके खिलाफ जो है सो समन होने लगता है, उनसे पूछताछ होने लगती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगता है। एक तरह से कह सकते हैं कि मानसिक रूप से प्रताड़ना किया जा रहा है चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जिसको जनता ने वोट देकर इस सीट पर बैठाई है, 5 साल का दायित्व दिया है, सरकार को काम करने से रोका जा रहा है, ये तो जनमत का नुकसान किया जा रहा है। प्रातुल सहदेव जी, क्या कर रही है सरकार ऐसे में? ईडी को हथियार बनाकर क्या विपक्ष को घेरने की लगातार कोशिश हो रही है? सरकार गिराने की योजना, ऑपरेशन लोटस को लेकर बार बार आरोप, विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप, सियासी फायदा उठाने के आरोप, बीजेपी तमाम आरोपों से जूझती हुई सरकार बनाने की कवायद में है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज मैं कौन सी पुस्तक को पढ़कर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई हेड ऑफ द स्टेट या कोई हेड ऑफ द कंट्री गायब होता है तो वो क्या करता है। ये बिल क्लिंटन और जेम्स पैटरसन की लिखी बड़ी फेमस पुस्तक है, द प्रेसिडेंट इज मिसिंग। हमारे मुख्यमंत्री 40 घंटे तक गायब थे पूर्णिमा जी, यही वो पुस्तक है। 40 घंटे तक मुख्यमंत्री जी गायब थे, कोई अता पता नहीं था, वो फरार थे। सहदेव साहब, ये आप कह रहे हैं, ये ईडी कह रही है, ये कौन कह रहा है कि हेमंत सोरेन 40 घंटे तक गायब थे, ये कौन कह रहा है? ये उनके मुख्य सचिव ने राज्यपाल को बताया, जिस पर ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई कि मुख्यमंत्री जी से संपर्क नहीं हुआ, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का संपर्क था। पूर्णिमा जी देखिए, पूरी एग्जीक्यूटिव मशीनरी, पूरी संवैधानिक मशीनरी राज की कोलैप्स कर जाती है जब राज का मुखिया नहीं होता। और जहां तक 10वें सम्मन की बात है, तो 10वें सम्मन में ईडी ने उनको 25 तारीख को इशू करके 27 तारीख तक का समय दिया था कि आप 29 या 31 का तिथि बताएं। 27 तारीख बीत गई, कोई तिथि नहीं बताया। उसके बाद मुख्यमंत्री के घर जब ईडी पहुंची दिल्ली, तो मुख्यमंत्री पिछले दरवाजे से खबरें आई कि रात के 2 बजे शॉल ढककर चोर दरवाजे से भाग खड़े हुए। ये हमारे मुख्यमंत्री तो नहीं होने चाहिए, ये हमारे मुख्यमंत्री पे अभिमान तो हमें नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जिस केस को ये दिखा रहे कि जन आंदोलन है, एक आदिवासी की बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, अरे ये तो आर्मी का लैंड है, डिफेंस लैंड, रांची के बीच में जो स्थित है, जिसको मुख्यमंत्री के करीबियों ने सारे नियम कानून को धक्का बचाकर बेच दिया। और ईडी को जब इसके तार जुटते जुटते मिले, अगस्त में पहला समन हुआ पूर्णिमा, और अभी जनवरी तक वो 6-7 महीने तक बहाने बनाते दिखे। तो मुख्यमंत्री जी के साथ आज जो होना है ये तो होना ही था, लेकिन ईडी के अफसरों को ये पहली बार टारगेट नहीं किया गया। इसके पहले भी 2 महीने पूर्व धुरवा थाने में एक SC ST FIR किया गया था, हाईकोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी उस पर। इसके अतिरिक्त जेल से खबरें आई थी
कि जेल में मुख्यमंत्री का जो कमी बंद है सर को भाजपा का कार्यकर्ता बनाने पर कौन मजबूर कर रहा है? वो नक्सलियों से लगातार टारगेट करवा गुजरात में जो जो किया गया गुजरात में जिस तरह से सरकार चलाई गई पूरे देश में चलाई जांच में इन्वेस्टिगेशन में खलल पैदा करने की कोशिश कर रही नहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जांच में रुकावट पैदा कर रहे हैं साहब, आप फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। कहां गया अजीत पवार जी के खिलाफ? आप रांची में बैठे हो और बिल्लू को समर्थन कहां गया? व्यापम घोटाले में और आपको यह भी पता कि उन्होंने जातु सूचक शब्द का प्रयोग किया? कहां गया प्रतुल यादव जी? एफआईआर की टाइमिंग पर बात करते हैं ईडी के प्रवक्ता कैसे हम लोग बन जाते हैं? सीएम कहाँ है आपको कैसे जानकारी हो जाती है? सीएम गायब है और उसमें नहीं धीरज जी देखिए ना प्रातुल सहदेव सुनिएगा सब प्रातुल सहदेव ईडी के प्रवक्ता बिल्कुल नहीं बन सकते और ठीक बिल्कुल वैसे ही ईडी कोई पार्टी नहीं बन सकती। जैसे जैसे बीजेपी ईडी की प्रवक्ता नहीं बन सकती वैसे ही ईडी कोई पार्टी नहीं बन सकती है। लेकिन ईडी को आप पार्टी बना रहे हैं। राहुल लाल जी ईडी को पार्टी बना रहे हैं। बन चुकी है ईडी। देखिए ना आप बीजेपी प्रवक्ता के बयान को देखिए, लगे पड़े हुए ईडी का बचाव करने में। उनको कैमरा प्रतुल जी से मैं पूछता हूँ क्या उनको कैसे दिखा? वो एक माननीय प्रधान जो मुख्यमंत्री है उनके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि वो चोर की तरह छुपते हुए दिख रहे हैं? आपने कैमरे में देखा है ये दृश्य कहीं पे आपको नजर आया? आपको आपको कैसे पता चला कि वो चोर दरवाजे से भागे कि पिछले दरवाजे से भागे? एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं अभी अगर किसी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा आपको अच्छा लगेगा? सुन लीजिए जरा, आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। ईडी तो कानून से बनी हुई एक संस्था है, कानूनी संस्था है वो और एक संवैधानिक संस्था है वो। आप एक संवैधानिक पदधारी के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं ना बहुत ही दुखद है। मुख्यमंत्री डेली आपके पास अटेंडेंस लगाएंगे, वो आपके सामने में उपस्थिति बनाएंगे। आपको किसने बताया कि 40 घंटा उपस्थित रहे हैं? ईश्वर के हाथों में तोड़ दिया। यादव जी के पास उठा के अटेंडेंस नहीं दे रहे, यह तो दुख लग रहा है। बड़ी घटना होती थी जी, बड़ी घटना होती, लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन होता। ठीक है सहदेव साहब, सुन लीजिए सहदेव साहब, काउंटर तो सुन लीजिए। जो जो राहुल लाल जी कह रहे हैं सुन तो लीजिए और उसके बाद एक एक करके जवाब दे दीजिएगा सर। सर सुनने का भी धीरज रखिए। प्रतुल सहदेव कंटिन्यूअसली सर मत बोलिए, सुन भी लीजिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप अपना काउंटर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। राहुल लाल जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक सेकंड सर, आ रही हूँ प्रतुल साहब, दो सेकंड दीजिए मुझे। नीरज मिश्रा जी आपको लाते हैं और उसके बाद आपके पास आऊंगी संजय जी। नीरज मिश्रा जी, सरकार बचती हुई दिख रही है, क्या चल रहा है झारखंड में? आप तो साथी हैं जेएमएम के, झारखंड में विधायकों की दौड़ हो रही है, लेटर पर सिग्नेचर करवा लिए गए हैं, राज्यपाल से मुलाकात इसके बाद संभावित हो सकती है, हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, झारखंड के सियासी संकट को कांग्रेस कैसे देख रही है इस वक्त? होता क्या है कि जब भी कोई दल चुनाव की तैयारी कर रहा होता है तो वो अपने अलग अलग प्रकोष्ठों को काम देता है। जैसे कांग्रेस तैयारी करती है तो NSUI को, यूथ कांग्रेस को, महिला कांग्रेस को वो कुछ ना कुछ अपना टारगेट देती है। आज जब भाजपा और नरेंद्र मोदी जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने जो उनके प्रकोष्ठ हैं ईडी और CBI उनको भी टारगेट दे दिया है कि विपक्ष की उन आवाज़ों के यहाँ आप जाइए जो आपके डर से डर नहीं रहे हैं। और आप वो चिट्ठी भेजकर नोएडा के मीडिया को इस बात के लिए आश्वस्त कर दीजिए कि ये फलाना आदमी चोर है। अरे न्यायिक प्रक्रिया है, और जो आज मुख्यमंत्री जी ने किया है आप देखिए, भाजपा का जो आदिवासी विरोधी चेहरा है वो तो हमने मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा से लेकर और आज झारखंड में देख ही लिया है कि किस तरीके से ये आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं।